के टाइम में बहुत ही ज़्यादा वायरल है, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इंगेजिंग है। इस तरीके की वीडियोस आप YouTube पर अपलोड करके लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस अभी तक YouTube पर कोई नहीं अपलोड कर रहा है। ये वीडियो मैंने फ्री AI टूल से बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको वीडियो बनाने से लेकर YouTube पर अपलोड करने का पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और आप इस तरीके का कंटेंट अगर अपने YouTube शॉर्ट चैनल पर अपलोड करते हो तो मेरी 100% गारंटी है आपका एक महीने में चैनल ग्रो हो जाएगा और आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इस तरीके की शॉर्ट वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे बिल्कुल फ्री AI टूल से। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही AI से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहे। TikTok पर एक ये बंदा है जो इस तरीके की शॉर्ट वीडियो क्रिएट करता है और यहाँ पर अपलोड करता है, और इसकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने मिलियंस में व्यूज़ हैं। अगर आप चाहते हो TikTok एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना तो आप YouTube पर देख सकते हो सर्च करके कि TikTok एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं इंडिया में। तो यहाँ पर आपको TikTok का यूज़ करना आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके की वीडियोस ये क्रिएट करते हैं डॉग की। जिस तरीके से AI कैट की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है जिन पर मिलियंस में व्यूज़ है, उसी तरीके से ये डॉग का जो है न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक आया है। इस तरीके की डॉग की वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हो और अपने YouTube शॉर्ट चैनल पर अपलोड कर सकते हो। सो यहाँ पर इस तरीके की ये वीडियो है जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी, और इसी तरीके की वीडियो मैं भी आपको वीडियो में बनाकर दिखाने वाली हूँ। सेम टू सेम इसी तरीके की वीडियो बनाऊँगी। सो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। सो यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे ये डॉग की वीडियो है इस तरीके की, और आप भी इस तरीके की वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके की वीडियो आपको कैसे क्रिएट करनी है सभी कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैं वीडियो प्ले करके देख लेती हूँ एक बार किस तरीके की वीडियो ये क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे इनकी वीडियोस पर ये मिलियंस में व्यूज़ आए हुए हैं, और इन्होंने बहुत ही कम वीडियोस अपलोड की हुई है। यहाँ पर इन्होंने 50 या 29 या 30 ही वीडियोस अपलोड की हैं और इन वीडियोस पर इनके मिलियंस में व्यूज़ हैं। आप भी इस तरीके की डॉग वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको इमेजेस। इमेजेस के लिए चाहिए आपको प्रॉम्प्ट, तो आपको प्रॉम्प्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इस तरीके की इमेजेस जनरेट कर सकते हो, या आप कुछ इस तरीके से इमेजेस जनरेट कर सकते हो जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने ये वीडियो प्ले की हुई है इसे हम पॉज करेंगे और यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस स्क्रीनशॉट से हम प्रॉम्प्ट जनरेट कराएंगे, उसके बाद हम इमेज जनरेट करेंगे इस तरीके की। तो यहाँ पर मैं पॉज कर करके यहाँ पर सभी क्लिप्स का यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ जो भी इमेजेस मुझे चाहिए। आप किसी भी वीडियो का प्रॉम्प्ट लेना चाहते हो, उस इमेज का प्रॉम्प्ट लेना चाहते हो, तो आपको इस तरीके से ये किसी भी इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्क्रीनशॉट्स ले लेती हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने सभी स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। इसके बाद आपको आ जाना है ChatGPT पर, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज पर प्रॉम्प्ट यहाँ पर कौन सा ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको मैं ये पेस्ट करके
दिखा देती हूँ। ये वाला प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर डालना है, डिस्क्राइब दिस इमेज इन कंप्लीट डिटेल एंड देयर राइट द टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट फॉर दैट इमेज अकॉर्डिंग टू डिटेल्स। आप ये वाली लाइंस जो है कॉपी कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लाइंस मिल जाएगी। उसके बाद आपको इमेज के नीचे लिख देना है और आप यहाँ पर देखोगे आपकी जो इमेज है उसका यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखकर आ चुका है। इसी प्रॉम्प्ट से हम इमेज जनरेट करेंगे। सो यहाँ पर मैं वन बाय वन करके सभी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सभी इमेजेस के प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से जनरेट करा लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप चाहे तो मेरी जो वीडियोस है आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है, और इस तरीके से चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट करा सकते हो। और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट जनरेट कराने के बाद आपको इन्हें कॉपी कर लेना है टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट वाले। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सभी टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट। इन प्रॉम्प्ट से हम इमेजेस जनरेट करने वाले हैं, बिल्कुल इन्हीं की तरह हम इमेज जनरेट करेंगे, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस के लिए आपको सबसे पहले इमेजेस चाहिए, इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए। सो यहाँ पर हमने इसे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है। ये प्रॉम्प्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो और इमेज जनरेट करा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन करके सभी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट आ चुका है, इस प्रॉम्प्ट से हम करेंगे इमेज जनरेट। इमेज जनरेट करने के लिए हमें आ जाना है लियोनार्डो एआई वेबसाइट पर। अब हम करेंगे इमेज जनरेट। इमेज जनरेट करने के लिए आपको लियोनार्डो एआई वेबसाइट पर आ जाना है, देन आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। देन यहाँ पर इमेज जनरेशन वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। इमेज क्रिएशन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। देन आपको यहाँ से इमेज जनरेट करनी है। यहाँ पर आपको 150 क्रेडिट डेली मिलते हैं जिनसे आप इमेज जनरेट कर सकते हो। डेली आपको यहाँ पर क्रेडिट मिल जाते हैं जिससे कि आप फ्री में इमेज जनरेट कर सकते हो और दो तीन वीडियोस आप आराम से बना सकते हो। सो यहाँ पर टेक्स्ट पर हम प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है। देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सबसे पहले जो है स्टाइल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फोनेक्स या सिनेमेटिक कीनो दो ही ऐसे स्टाइल्स हैं जिनसे आप इस तरीके की इमेज जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिनेमैटिक कीनो जो है ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पर आपको इसकी क्वालिटी जो है हाई रहने देनी है और यहाँ पर आप साइज सिलेक्ट कर लें। यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो के लिए यहाँ पर 2.3 मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इमेजेस हमारी 4 जनरेट होंगी और यहाँ पर मीडियम साइज़ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करना है और आपकी इमेजेस यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने जनरेट पर क्लिक किया यहाँ पर आपको सिर्फ एक दो सेकंड का वेट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। इस तरीके से बहुत ही अच्छी हमारे पास ये इमेज जनरेट होकर आई है और आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है प्रॉम्प्ट को। यहाँ पर मैं कट कर देती हूँ ये वाला प्रॉम्प्ट, देन यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे सेकेंड प्रॉम्प्ट और सेकेंड प्रॉम्प्ट से ही भी हम इमेज जनरेट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं इमेज जनरेट कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 इमेजेस हमारे पास जनरेट होकर आ चुकी हैं। सो यहाँ पर हम इमेज जनरेट करने के बाद सेकंड थर्ड वाला प्रॉम्प्ट भी हम पेस्ट कर देते हैं और आपको यहाँ पर वन बाय वन करके प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर लेना है और इस तरीके से अपनी तमाम सभी इमेजेस आपको जनरेट करा लेनी है। और सभी इमेजेस के नीचे आपको डाउनलोड का आइकन शो हो जाएगा और आपको जो भी इमेज अच्छी लगे आपको उसे डाउनलोड कर लेना है।
सो यहाँ पर मैं इमेजेस को डाउनलोड कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैंने सभी इमेजेस को डाउनलोड कर लिया है। इमेजेस जनरेट करने के बाद हम इन सभी इमेजेस को आप स्केल करेंगे पिक्सल कट एआई वेबसाइट पर। इसके लिए आ जाना है आपको पिक्सल कट एआई वेबसाइट पर। इसके बाद आप यहाँ पर बिना लॉगिन के, बिना साइनअप के ही अपनी इमेजेस को आप स्केल करा सकते हो। आपकी जो इमेज है वो HD क्वालिटी में हो जाएगी बिल्कुल फ्री में। आपको साइनअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, इमेज अब स्केलर पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक जैसे ही करेंगे आप यहाँ पर आप स्केल्स इमेज का ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है लियोनार्डो AI वेबसाइट से जो हमने जनरेट की है। यहाँ पर ये वेबसाइट से मैंने जो इमेज जनरेट की थी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ली है। देन यहाँ पर हम आप स्केल कर लेंगे और यहाँ पर आपकी इमेज जो है आप स्केल हो जाएगी HD क्वालिटी में। देन आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपकी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। सो, आपको 1 by 1 करके सभी इमेजेस को आप स्केल कर लेने। यहाँ पर मैं इसे ओपन करती हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी अच्छी इमेज यहाँ पर हमारी क्वालिटी की है, कितनी अच्छी क्वालिटी हमारी इमेज की है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं 1 by 1 करके सभी इमेजेस को आप स्केल कर लेती हूँ और इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जिससे कि हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग बनेगी और जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहेगा, क्योंकि HD क्वालिटी की वीडियो बहुत ही ज़्यादा चलती है, इसलिए आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमने सभी इमेजेस को आप स्केल कर लिया है। अभी इमेजेस को आप स्केल करने के बाद हम अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी भी AI वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो किलिंग AI वेबसाइट का, लूमा AI वेबसाइट का, या आप रनवे ML AI वेबसाइट का। यहाँ पर मैं विदु AI वेबसाइट का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट है बहुत ही जल्दी हमें इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करके देती है। और सभी जो वेबसाइट्स हैं, किलिंग AI वेबसाइट और लूमा AI वेबसाइट जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती है। सो इसीलिए मैं विदु AI वेबसाइट का यूज़ कर लेती हूँ और मैंने कई सारी वीडियोस में विदु AI वेबसाइट का यूज़ किया है। इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हम आ चुके हैं विदु AI वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट का बिल्कुल फ्री में कैसे यूज़ करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप विदु AI वेबसाइट का बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसे मैं वीडियो में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। देन आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये वाली लाइन यहाँ पर पेस्ट करनी है। ये वाली लाइन्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ए ह्यूमन डॉग फायर्स A50 सेल। सो यहाँ पर मैंने ये टाइप कर दिया है प्रॉम्प्ट। देन आपको क्रिएट पर क्लिक करना है और आपकी जो ये इमेज है इस तरीके से वीडियो में क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है यहाँ पर। देन आपको यहाँ पर नीचे डाउनलोड का आइकन शो हो जाता है, आप यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लें क्लिक करके। सो यहाँ पर मैंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया है और आपको 1 by 1 करके सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर हम सेकेंड इमेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। अगर आप वॉकिंग कराना चाहते हो यानी ये चलता हुआ दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर आगे वॉकिंग टाइप कर दें। देन यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दें और आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके की वीडियोस हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। और इन सभी वीडियोस को आपको कर लेना है डाउनलोड। सभी इमेजेस जो है मैंने वीडियो में कन्वर्ट कर ली है और इन्हें कर लिया है मैंने डाउनलोड। सो आपको भी इसी तरीके से सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। आप चाहे तो किसी और AI वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो। आप पिका AI वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, हाइपर AI का, रनवे ML का,
किसी भी AI वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हो। सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करने के बाद आपको चाहिए अपनी वीडियो के लिए कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो आप कॉपीराइट बैकग्राउंड फ्री म्यूज़िक 2 वेबसाइट से ले सकते हो। एक तो आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो, और नंबर 2 पर है पिक्साबे, इस वाली वेबसाइट से भी आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो। सो इस तरीके की वीडियो के लिए हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड। सो यहाँ पर हम यूट्यूब की लाइब्रेरी पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें चाहिए बैकग्राउंड म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, यहाँ पर मैं वार वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहती हूँ। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है वार, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ में वार बैकग्राउंड ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर हम प्ले करके सुनकर देख लेंगे, और सभी ऑडियो के आगे आपका डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपको यहाँ पर सभी जो ऑडियो हैं उन्हें डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपको पसंद आए वार वाली। यहाँ पर आप कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर पिक्साबे AI वेबसाइट है, यहाँ से भी आप कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सर्च किया वार, तो आप यहाँ पर देखोगे कई सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पर आ चुके हैं, और सभी के आगे आपको यहाँ पर डाउनलोड का आइकन शो हो जाएगा। आप यहाँ से कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड कर लें। अब आपके पास सभी वीडियो क्लिप्स आ चुकी हैं और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आ चुका है। अब आपको इन सबको जोड़ना है, सो इसके लिए आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर ले। चाहे तो आप इनसॉर्ट एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, VN एप्लीकेशन का, काइनमास्टर का। यहाँ पर मैं कैपकट एप्लीकेशन का यूज़ करने वाली हूँ वीडियो को एडिट करने के लिए। सो आपको वीडियो को एडिट कर लेना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में। आपको यहाँ पर VPN को ऑन कर लेना है, देन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके हम यहाँ पर सभी वीडियोस क्लिप सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम TikTok का साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। शॉर्ट वीडियोस के लिए यही वाला साइज़ बेस्ट है, और ये जो वीडियो AI का वाटरमार्क है, इसे हम उंगलियों से इस तरीके से स्क्रॉल करके आपको इसे जूम कर लेना है, यानी आपको इन्हें फुल स्क्रीन कर लेना है। और वीडियो AI वेबसाइट का वाटरमार्क आपको यहाँ पर इस तरीके से हाइड कर देना है। सो यहाँ पर हमारा वाटरमार्क भी रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला म्यूज़िक जो हमने कॉपीराइट फ्री डाउनलोड किया है। देन यहाँ पर स्टार्टिंग का पार्ट मैं कट कर देती हूँ, और ये पार्ट मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देती हूँ ऑडियो का। सो यहाँ पर हमने ऑडियो एडजस्ट कर दी है। देन आप इन सभी क्लिप्स में ट्रांजेक्शन का यूज़ कर लें। यहाँ पर मैं सभी क्लिप्स में ट्रांजेक्शन का यूज़ कर लेती हूँ। आपको इस तरीके से ट्रांजेक्शन का यूज़ कर लेना, और कैपकट का ये जो वाटरमार्क है इसे आपको डिलीट कर देना है। देन यहाँ पर आपको ऐड टाइटल पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर अपने चैनल का नेम टाइप कर देना है, इससे आपका चैनल जो है ब्रांड बनेगा। सो यहाँ पर चैनल को आपको ब्रांड बनाने के लिए हर वीडियोज़ में अपने चैनल का नेम यहाँ पर आपको लिख देना है, और आपको फुल स्क्रीन कर देना है। यहाँ पर आप इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो, एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने फुल वीडियो में ये अटैच कर दिया है नेम। इसके बाद आप चाहते हो अगर और भी साउंड इफ़ेक्ट्स, तो आप यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन में साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं फ़ाइट वाला साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं पूरी वीडियोस में साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ। देन आप यहाँ पर क्लिप्स में इस तरीके से एनिमेशन का यूज़ कर लें, और यहाँ पर आपकी ये जो वीडियो है इस तरीके से बिल्कुल आपको अच्छे से ये एडिटिंग कर लेनी है, और अच्छे से आपको जनरेट करा लेनी है कैपकट एप्लीकेशन से। सभी कुछ आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, देन आपको वीडियो को प्ले करके देख लेना है। इसके बाद आपको वीडियो को यहाँ पर सेव कर लेना है, और आपकी ये वीडियो बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे YouTube पर अपलोड कर सकते हो। सो यहाँ पर हम इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। देन आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और आपकी ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब आपकी वीडियो बिल्कुल तैयार है। अब आपको वीडियो को YouTube पर अपलोड करना है। YouTube पर वीडियो को आपको कैसे अपलोड करना है ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ।
सो इतने आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब हमारी वीडियो फ्री एआई टूल से जनरेट हो चुकी है। अब हम इस वीडियो को करेंगे यूट्यूब पर अपलोड। यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करनी है, किस तरीके से आपको इस वीडियो का टाइटल लिखना है, कैसे आपको टैग्स डालने हैं, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपका जो भी यूट्यूब चैनल है आपको उसे ओपन कर लेना है। देन आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वीडियो सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम पेंसिल पर क्लिक करके ये थंबनेल जो है इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको जो लिखना है ये भी लाइंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं टाइटल ये वाला पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप टाइटल में 100 वर्ड्स ही लिख सकते हो। सो यहाँ पर मैंने ये लाइंस लिख दिए हैं और आपको इसे कर देना है अपलोड अनलिस्टेड करके, क्योंकि पब्लिक हम बाद में करेंगे जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। सो हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में भी यही वाली लाइंस पेस्ट कर देंगे और टेक्स्ट में भी यही वाली लाइंस पेस्ट कर देंगे। और टेक्स्ट में आपको #cat, #dog, #forcedog और यहाँ पर आपको शॉर्ट, ट्रेंडिंग शॉर्ट, वाइट शॉर्ट, वायरल शॉर्ट, ये टैग्स आपको डाल देने हैं वीडियो में। आपको हर वीडियोस में शॉर्ट ज़रूर लिखना है। टैग्स में शॉर्ट वीडियो, ट्रेंडिंग वीडियो, वायरल वीडियो, ये आपको हर वीडियो के टैग्स में लिखना है और इसी तरीके से आपको वीडियो को अपलोड करना है। सो यहाँ पर मैं टैग्स यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मैं सभी टैग्स ऐड कर देती हूँ और आपको अनलिस्टेड पर यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको शेड्यूल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसी तरीके से शेड्यूल लगाकर वीडियो को अपलोड करना है। यहाँ पर 3 बजे हैं यहाँ पर और ये मिनट मैंने लगा दिए हैं। देन आपको सेव कर देना है। सो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करके ये शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर लेनी है और डेली आपको 3 वीडियोस अपलोड करनी है अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस तरीके से अगर आप YouTube वीडियो क्रिएट करते हो और जिस तरीके से मैंने आपको बताया YouTube वीडियो को अपलोड करने का तरीका, उसी तरीके से अगर आप डेली 1 महीने तक वीडियोस अपलोड करते रहोगे तो आपका चैनल 100% ग्रो होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी मीट नेक्स्ट वीडियो। बाय।